नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, आप यदि एडसेंस के पब्लिशर है, आपने वेबसाइट पे एड्स लगाना चाहते हैं, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने एड्स अपने आप वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है कुछ नंबर ऑफ एड आप यहाँ पर अपने वेबसाइट पर लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि आप वेबसाइट पर लगाते हो तो ये एडसेंस के पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा और आपके एडसेंस पर यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड यहाँ पे डालते रहता हूँ। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो देखिए, जैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, आप यहाँ पर अपने वेबसाइट पर दो टाइप से ऐड लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एडसेंस का ऑटो एड्स होता है और दूसरा आप मैनुअली लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो एड्स की। तो दोस्तों, जैसे मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला था, मैंने क्या किया था, ऑटो एड्स अपने वेबसाइट पे लगा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो भाई, एडसेंस अपने हिसाब से ऐड लगाएगा तो सही लगाएगा। यदि मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो शायद मुझे पेनल्टी मिल जाए। तो मैंने क्या सोचा, ऑटो एड्स यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने क्या किया, ऑटो एड्स की एक ऐड आती है जो कि जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर एज ए बैनर की तरह आ जाती है, बैनर की तरह। उस ऐड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आ रहा तो मैं डेफिनेटली बताता। तो जो उस तरह की ऐड जो है उसको आप सिर्फ ऑन रखिए। आप जाओगे ऑटो ऐड के सेटिंग में तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे देखिए एड्स का एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि कौन से ऐड ऑटो एड्स में दिखाई देंगे, तो वो ऑप्शन रहता है। उसमें आप जाइएगा, उसमें आप इनफीड ऐड वगैरह सब बंद कर दीजिएगा, पूरे के पूरे ऐड बंद कर दीजिएगा। सिर्फ एक ऐड शुरू रखिएगा जो बैनर वाला है, ऑटो एड्स का एक ही ऐड लगाइएगा और फिर सेव कर दीजिएगा। तो आपका वेबसाइट पे क्या होगा, सिर्फ एक ही ऐड आएगी, वो वाली, कौन सी, जो बैनर वाली। उसके बाद बाकी जो एड्स है आपको मैनुअल लगाने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड यूनिट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह से ऐड यूनिट आपको क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, जो साइड बार होती है, साइड बार के लिए फिक्स वाले ऐड यूनिट आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो उसके फिक्स वाले ऐड यूनिट आप क्रिएट कीजिए और हेडर के लिए भी फिक्स वाले कीजिए। तो यहाँ पे आप ऐड यूनिट क्रिएट करने के बाद, ये वहाँ पे दो टाइप के रहते हैं, एक फिक्स रहता है और एक रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव करेंगे तो क्या होगा, आप उस साइज का सिलेक्ट तो कर लेंगे जैसे कि 720x90, लेकिन वो जो ऐड छोटी बड़ी आ जाती है क्योंकि वो रेस्पॉन्सिव रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ फिक्स वाली रखिए। फिक्स रहेगी तो क्या, वो उतनी साइज की एड्स वहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप फिक्स वाले कुछ एड्स के यूनिट बनाइए, कुछ रेस्पॉन्सिव बनाइए, उसके बाद उनको आप प्लेस कर दीजिए अपनी वेबसाइट पे। अब बात आती है कि कितने एड्स हम लगाएं। तो मैक्सिमम आप 6 एड्स यहाँ पे लगा सकते हैं एडसेंस में। पहले तो 3 ही लगा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे 6 ऐड हो गए, आप 6 ऐड लगा सकते हैं सेफली। तो देखिए, एक ऐड हमने ऑलरेडी बैनर वाली लगा ली है, अब बसते हैं 5 ऐड्स। तो 5 ऐड्स आप एक हेडर वाली बना लीजिए, एक साइड बार वाली डिस्प्ले ऐड बना लीजिए जो कि 300x250 ऐसा कुछ साइज रहता है, वो वाली बना लीजिए एक, और एक 300x600 वाली एक बड़ी सी ऐड बना लीजिए। तो यहाँ पे आपके 3 ऐड्स 2 साइड बार में और एक हेडर में लग जाएगा। उसके बाद आर्टिकल्स में आप 2 ऐड लगा लीजिए, एक टॉप में लगा लीजिए, एक बॉटम में लगा लीजिए, या फिर बीच में लगा लीजिए, बॉटम में लगा लीजिए, या फिर एक टॉप में लगा लीजिए, एक बीच में लगा लीजिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके ऐड्स हो जाते हैं ये 5 और एक ऑटो ऐड्स, यानी कि जो ऊपर में आएगा बैनर। ऐसे कुल मिला के आप 6 ऐड्स अपने वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट काफ़ी सेफ यहाँ पर रहेगी। और ये जो है, मैंने खुद यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल करके देखा, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है आपको और काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस यहाँ पे आपको आ जाते हैं और अर्निंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो जाती है। तो कहने का मतलब है, आप ऑटो एड्स लगाना चाहते तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।